बुलबुल ने वर्णिका के साथ मिलकर चली एक बार फिर नए चालबीर को गुमराह करने की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ तो कलर्स टीवी का वन ऑफ द पॉपुलर शो मेरा बालम थानेदार के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ तो पहले भी बुलबुल ने एक बार वीर को गुमराह कर दिया था, जिसके बाद अब फिर से वो इसी काम में लग गई है, जहाँ पर अविनाश के पास से हार्ड डिस्क और फोटोज वर्णिका और बुलबुल लेके आ जाती हैं, उसे जला भी देती है, लेकिन उसका फोन जो होता है उसे जलाने वाली ही रहती है। तभी वहां पर वर्णिका के पिता आ जाते हैं, जिसकी वजह से बुलबुल को वो फोन छुपाना पड़ जाता है। बाद में पता चलता है वो फोन की स्त्री वाले के पास पहुंच गया है, जहां पर उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए वीर भी निकल गया है जाने के लिए। और फिर बुलबुल और वर्णिका दोनों वीर के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाती है फोन को चुराने के लिए, फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहां पर उनके पहुंचने के बाद ही तुरंत वीर भी वहां पहुंच जाता है। वीर के पहुंचने से पहले ही बुलबुल उस फोन को वहां से ले लेती है, लेकिन वीर भी तभी वहीं पहुंच जाता है। वीर बुलबुल को देखने ही वाला रहता है, तभी वहां पर कोयला होता है और बुलबुल उस कोयले को उछाल देती है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और बुलबुल वहां से निकल जाती है। निकल के वो वर्णिका के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो फोन को छुपा कर भागने की तैयारी में ही रहती है। तभी वीर भी वहां पहुंच जाता है और वीर को देखकर बुलबुल कहती है, अरे थानेदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं वीर का भी सवाल यही होता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल और वर्णिका दोनों घबरा कर जवाब देती है कि हम यहाँ पर चूड़ी कंगन लेने के लिए आए थे, यानी कि शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, पर आप यहाँ कैसे? फिर कहता है कि मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। जहाँ पर बुलबुल और वर्णिका को वीर ये भी कहता है, तुम लोगों का हो गया हो शॉपिंग करके तो तुम लोग चले जाओ, जिसके बाद वीर लौट जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कब तक बुलबुल बची रहती है वीर के पंजों से। जी हाँ, देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आप सभी का क्या है कहना ये पूरी अपडेट पर, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ड्रीम टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दें।